और एक बहुत बड़ी खबर है मथुरा के जवाहर बाग कांड से जुड़ी हुई। जी हाँ, क्या राम वृक्ष यादव जिंदा है? ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल हैदराबाद FSL रिपोर्ट जो आई थी, जिसमें राम वृक्ष का DNA टेस्ट कराया गया था, तो फिलहाल जो शख्स को मृत पाया गया था और जिसे राम वृक्ष माना जा रहा था, उसका DNA राम वृक्ष के बेटे से मैच नहीं हुआ है। राम वृक्ष ने साथियों के साथ अतिक्रमण किया था और अतिक्रमण हटाने के लिए जब टीम यहाँ पर गई थी तो उसने हमला कर दिया, जिसमें SPCT मुकुल द्विवेदी और SO संतोष कुमार की जान चली गई थी, वो शहीद हो गए थे। पुलिस कार्रवाई में राम वृक्ष खेमे के 22 लोग भी मारे गए थे और राम वृक्ष के मारे जाने की आशंका इस दौरान थी। और वो वाकई में शख्स राम वृक्ष है या नहीं, इसके लिए DNA टेस्ट कराया गया था। फिलहाल DNA टेस्ट मैच नहीं हुआ है राम वृक्ष के बेटे से, तो ऐसे में सवाल ही खड़ा हो रहा है कि क्या राम वृक्ष यादव जिंदा है। फिलहाल आपको बता दें कि CBI इस पूरे मामले की जांच कर रही है।